चल भाई शिव, तेरी ट्रेन का टाइम हो गया। संगम यार, ये माता की तस्वीर का क्या करना है? माता की तस्वीर है भाई, अपने पास रख लो। बहुत किस्मत वाले हो, खुद माता चल के तुम्हारे पास आई है। ओ, ये माता की तस्वीर तू अपने पास रख ले और अपनी किस्मत चमका। पकड़ो, लाओ भाई हम ही रख लेते हैं। बाबूजी, पानी। बाबूजी, आपका गुस्सा हमसे, पानी से नहीं, तो हमारा गुस्सा आप पानी पे क्यों उतार रहे हैं? ना हम तुमसे गुस्सा है, ना ही ये पानी से। अरे हम तो अपने आप से ही नाराज हैं, बस हम तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकते। अब भी वक्त है बेटा, इनकार कर दे रिश्ते से, बात को समझ। ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है, किसी पर विश्वास मत कर, सिर्फ अपनी समझ से काम ले, वरना बाद में बहुत पछताएगी। बाबूजी, हम किसी और पर विश्वास नहीं कर रहे, बल्कि हम तो हमारी विंध्यावासिनी माँ। अरे विंध्यावासिनी माँ, विंध्यावासिनी माँ, सबसे बड़ी धोखेबाज हूँ विंध्यावासिनी माँ। बंद कर ये राग लापना, वो किसी का भला नहीं कर सकती, केवल अपने भक्तों का बुरा ही कर सकती है, धोखेबाज है हूँ। आखिर क्या भला किया विंध्यावासिनी माँ ने हमारा? अरे कितना भरा पूरा परिवार था हमारा, अरे कितने खुश थे हम सब लोग, कितनी भक्ति की थी हमने विंध्यावासिनी माँ की, लेकिन उसने किया क्या? हाँ बाबूजी, विंध्यावासिनी माँ ने एक ही झटके में हमारी सारी खुशियां छीन ली और दूर कर दिया तुम्हारी माँ को हमेशा हमेशा के लिए। याद है ना तुम्हें कितनी मन्नतें मांगी, कितने ही व्रत किए हमने, रोज उसकी चौखट पर माथा टेका करते थे कि किसी तरह तुम्हारी उस विंध्यावासिनी माँ को हम पर दया आ जाए और वो हमारी पत्नी को वापस ठीक कर दे। पर किया क्या उसने आखिर, छीन लिया ना तुम्हारी माँ को। बाबूजी, विंध्यावासिनी माँ एक शक्ति है जो सिर्फ नाश करना जानती है, सिर्फ बर्बाद करना। माना कि माँ हमें बहुत जल्दी छोड़कर चली गई, लेकिन हमें संभलने की शक्ति किसने दी? कौन बना हमारा सहारा बाबूजी, बताइए। और बाबूजी, हम भाभी पर नहीं बल्कि विंध्यावासिनी माँ पर अटूट विश्वास करते हैं। शायद हमारी भक्ति में कुछ कमी रह गई होगी, माँ तो बड़ी दयालु है, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि माँ के जाने का गम आप आज तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए सारा दोष आप विंध्यावासिनी माँ पर डाल रहे। तुम्हारी माँ एक छलावा है, हमारी माँ विश्वास है। हाँ, तेरी माँ एक ढकोसला है, हमारी माँ आस्था है। और अगर हमारी भक्ति सच्ची है और हमारी आस्था पवित्र है तो फिक्र मत कीजिए बाबूजी, कुछ नहीं होगा। नहीं है, नहीं है कोई माँ, मैं जानता हूँ वो नहीं आएगी बेटा,
बेटा तुम्हारी मां नहीं आएगी बेटा। बाबूजी, मां किसी के बुलाने से नहीं आती, वो खुद आती है जब भी उनके भक्तों को उनकी जरूरत आन पड़े। अगर आपकी बातों में सच्चाई है ना, अगर हम पर कोई मुसीबत आन पड़ी है या अगर भाभी ने हमारा रिश्ता गलत जगह तय कर दिया है, तो वो आएंगी, हमारा मार्गदर्शन करने किसी भी रूप में आएंगी, वो जरूर आएंगी। तो फाइनली तुम जा रहे हो? हाँ, कभी वापस ना आने के लिए। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा सर, अचानक ही एक प्रॉब्लम आ गई है। स्टेशन मास्टर से कहकर हमने आपके लिए सीट बुक करवाई थी, पर मंदिर के पुजारी जी की तबीयत अचानक ही बहुत बिगड़ गई है, इसलिए आज ही उनको मुंबई जाना हुआ इलाज के लिए। सर, आपसे अनुरोध है कि अगर आप कल चले जाएं तो। पर इनका मुंबई जाना भी बहुत जरूरी है। सर मैं समझ सकता हूँ, पर पुजारी जी की हालत बहुत ही खराब है। तो उन्हें किसी और ट्रेन से भेज दीजिए। सर मैंने पूरी कोशिश की थी, पर दूसरी ट्रेन में नहीं मिला। संगम देखो, मेरे मुंबई जाने से ज्यादा किसी की जान कीमती है, मैं कल भी चला जाऊंगा तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आप एक काम कीजिए, आप पुजारी जी को भेज दीजिए, मैं कल चला जाऊंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट रुकिए, मैं आपके साथ चलकर स्टेशन मास्टर से बात करता हूँ। जी आइए। शुंभ शुंभ मर्दिनं प्रचंड मंड खंडिनं भणेरे प्रकाशिनं।